Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. In this video, we are talking about the deviance of the personality. हम सिगमंड फ्रूड के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए उसने एक बेसिक थ्योरी दी और उसने बताया कि एक इंसान की पर्सनैलिटी को डिवेलप करने में, एक डिस्क्राइब करने में इंसान के सबकॉन्शियस माइंड का बहुत ज़्यादा पार्ट होता है. तो बेसिकली सिगमंड फ्रूड ने कहा कि एक इंसान की पर्सनैलिटी के तीन पार्ट्स होते हैं जो कि उसकी एज में डिफरेंट टाइम्स में डिवेलप हो रहे होते हैं और उसकी पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ये तीनों पार्ट्स कहीं ना कहीं मिलकर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं. तो बेसिकली जो आईडी होता है वो कम्प्लीटली अनकॉन्शियस होता है. जो आपकी सुपर ईगो है ये भी कहीं ना कहीं तक अनकॉन्शियस में होती है, जबकि आपकी ईगो ये आपकी प्री कॉन्शियस और आपकी कॉन्शियस माइंड के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है. तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे आईडी की. आईडी बेसिकली क्या है? आईडी आपकी पर्सनैलिटी का वो पार्ट है जो आपके पैदाइश से आपके अंदर मौजूद होता है. ये अनकॉन्शियस होता है. बेसिकली जो बच्चे होते हैं उन्हें जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो रोते हैं और तब तक रोते रहते हैं जब तक कि उनकी वो ज़रूरत पूरी नहीं हो जाती. तो बेसिकली आईडी के अंदर इंसान कंट्रोल नहीं, इंसान या कोई भी बच्चे या कोई भी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी की आईडी डेवलप हुई हुई है वो कंट्रोल नहीं कर सकता. अगर उसको कुछ चाहिए तो वो उस चीज़ को हासिल करेगा, अपनी खुशी को हासिल करेगा. आईडी को एक्सप्लेन करने के लिए सिगमंड ने एक टर्म्स लिबिडो का इस्तेमाल किया. उसने बेसिकली कहा कि लिबिडो एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी इंस्टिंक्चुअल एनर्जी है, यानी कि जो इंस्टिंक्ट से डेवलप होती है कि अगर आपकी जो चीज़ आपको चाहिए वो पूरी नहीं होती तो उसके बाद आपके अंदर एक कन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाएगा क्योंकि आपको वो चीज़ मिल नहीं रही और उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आईडी में बेसिकली उस लिबिडो से डील करने का तरीका ये होता है कि आपको जो भी चीज़ चाहिए आप उसको उसी मोमेंट में हासिल करके रहें. तो बेसिकली आईडी वर्क कर रहा होता है प्लेयर प्रिंसिपल पे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है प्लेयर के ऊपर, चाहे बाद में आपको उसके लॉन्ग टर्म नुकसान भी उठाने पड़े, लेकिन आईडी जस्ट गेट्स व्हाट इट वांट्स. तो यानी कि अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो आप उसको हासिल कर लेंगे. उसके बाद सिगमंड ने कहा कि उसके सेकंड पार्ट जो एक इंसान की पर्सनैलिटी का डेवलप होता है आफ्टर आईडी वो होता है ईगो. आप ईगो को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे भी देख सकते हैं. बेसिकली जब हम बात कर रहे थे आईडी के अंदर लिबिडो की, तो ईगो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी का वो पार्ट होता है जो लिबिडो को बेहतर तौर पर लिबिडो के साथ डील कर सकता है. तो जब एक इंसान के अंदर लिबिडो पैदा होता है, यानी कि ऐसी इंस्टिंक्चुअल एनर्जी पैदा होती है जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है, तो ईगो उसके साथ बेहतर तौर पर रियलिटी के बेस पर उसके साथ डील कर रही होती है, चीज़ों को रैशनल तौर पर, कॉन्शियस तौर पर, लॉजिकल तौर पर अंडरस्टैंड करके फिर उसके साथ डील करती है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्लेयर से कर जाएंगे, बल्कि आप अपने प्लेयर को बेहतर तौर पर हासिल करेंगे एक रियलिटी के बेस पर कि आपका बाद में कोई नुकसान ना हो या आपकी जो सोसाइटी के मॉरल वैल्यूज़ हैं वो जो हैं उससे पामाल ना हो. तो बेसिकली ईगो इस चीज़ का नाम है पर्सनैलिटी के इस पार्ट का. लास्ट एक्सट्रीम पॉइंट होता है इंसान की पर्सनैलिटी का, वो होता है सुपर ईगो. तो इसको हम समझ सकते हैं मॉरल वॉच डॉग के तौर पे. वॉच डॉग का काम ये होता है कि वो चीज़ों की निगरानी करता है. इसी तरह से सुपर ईगो एक इंसान के मॉरल सेंटर की निगरानी करता है. सुपर ईगो को समझने के लिए सिगमंड ने दो टर्म्स बताए, ईगो आइडियल एंड कंसाइंस. ईगो आइडियल बेसिकली वो पार्ट होता है आपके सुपर ईगो का जहाँ पर कि आपके रूल्स रहते हैं कि सच बोलना चाहिए, नेकी करनी चाहिए, इस तरह के जो रूल्स होते हैं कि आपको किसी के साथ झूठ नहीं बोलना है, आपको किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी का हक नहीं मारना, ये सारे जो ईगो आइडियल होते हैं उसके अंदर इस किस्म के सारे रूल्स होते हैं. और जबकि आपके कंसाइंस का पार्ट है वो बेसिकली सुपर ईगो का वो पार्ट होता है जो कि प्राइड और गिल्ट से डील करता है. तो अगर आपको पता है कि आपके ईगो आइडियल पार्ट के अंदर ये रूल्स हैं कि अगर आप किसी के साथ सच बोलेंगे तो आपको प्राइड फील होगा, लेकिन अगर आप किसी के साथ झूठ बोलते हैं, किसी का नुकसान करते हैं जानबूझ के, तो आपके सुपर ईगो है जो आपके अंदर गिल्ट पैदा कर देगी. तो एक इंसान की जो ईगो है और सुपर ईगो बेसिकली काम कर रही होती है उसकी कॉन्साइंस की वजह से. कितना अच्छा आपका कॉन्साइंस डेवलप हुआ है उतनी अच्छे और मॉरल इंसान होंगे आप, क्योंकि आपको पता होगा कि गलत क्या है, सही क्या है और गलत और सही को करने के नुकसान क्या क्या हैं. तो बेसिकली सिगमंड फ्रूड ने कहा कि ये तीनों पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी हैं, ये एक इंसान के अंदर डिवेलप हुए होते हैं और एक इंसान की पर्सनैलिटी इन तीनों से मिलकर बनती है. जो हमारा आइडिया है वो हमें बताता है कि हमारी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो जिससे कि हमें प्लेयर मिल सकता है. जो हमारे ईगो है वो बेस कर रहा है रियलिटी पे कि किस तरह से आप अपने सुपर ईगो और अपनी आईडी को बैलेंस करेंगे. ईगो बेसिकली बैलेंस्ड पार्ट है जो कि आपको प्लेयर भी लेता है और आपकी मॉरल वैल्यूज़ की हिफाजत भी करता है.
वो लोग जिनकी पर्सनैलिटी डिस्टॉर्टेड होती है या जिनको के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं डिफरेंट किस्म के पर्सनैलिटी के, वो बेसिकली इसी वजह से होते हैं कि उनकी ईगो, सुपर ईगो और आईडी सही तरीके से मैनेज नहीं हो रही होती। तो बेसिकली कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जो कि उस डील से, उस पेन से डील करने के लिए, उस स्ट्रेस से डील करने के लिए होते हैं जो कि इंसान की परसेप्शन ऑफ रियलिटी को हटा देते हैं। तो बेसिकली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी डिस्टॉर्ट हुई होती है, उनकी ईगो सुपर ईगो सही से काम नहीं कर रही होती, तो उनकी तो सिर्फ आईडी काम कर रही होती है जिसकी वजह से वो सिर्फ अपने प्लेयर को हासिल करने के ऊपर तवज्जो दे रहे होते हैं। तो इसीलिए सिगमंड फ्रूड ने कहा कि अगर एक इंसान को मॉरल इंसान होना है और उसको इंडिविजुअली तौर पे एक कामयाब इंसान होना है, तो उसके लिए उसकी तीनों पर्सनैलिटी के पार्ट साथ मिलकर काम कर रहे होंगे। इसकी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल जाती हैं टीवी मूवीज़ के अंदर या एनिमेटेड कार्टून्स के अंदर, कि जब किसी करेक्टर को कोई डिसीजन लेना होता है तो उसके राइट पे एक एंजल आ जाता है और लेफ्ट पे एक डेविल आ जाता है जो कि उसको सही और गलत फैसला करने में मदद करते हैं। तो डेविल बेसिकली वो होता है जो कि इंसान की आईडी होती है, उसको सिर्फ प्लेयर से मतलब है, और जो वाइट साइड पर होता है जो कि एंजल होता है, उसको मकसद होता है कि वो आपकी कंसाइंस को, आपके ईगो आइडियल को डिस्टर्ब ना होने दे। तो जो इंसान फिर फैसला करता है वो इंसान की ईगो होती है, वो चीज़ों को बैलेंस करके फिर उसके हिसाब से फैसला करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन केस ऑफ क्वेश्चंस डोंट फॉरगेट टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो।